अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिल्म जॉयलैंड बैन और अनबैन मुस्तकिल तौर पर नजर आ रहा है कि एक पिंग पोंग मैच चल रहा है कि कभी बैन होती है कभी रिलीज हो जाती है। तो आखिर ये फिल्म इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों है? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट एंड व्हाट आर द टॉप 10 रीजंस दैट पीपल आर सेइंग दैट दिस फिल्म इज नॉट ओके और दैट दिस फिल्म इज ओके। डेंस कितना अजीब सा है कि मुसलमानों ने एक मूवी बनाई है। मुसलमान जो कि अपनी विल सबमिट कर चुके हैं अल्लाह ताला के यहाँ, इन लोगों ने जी एक मूवी बनाई है जिसमें एरोटिक डांसर है और होमोसेक्सुअलिटी। ये मूवी मूवी क्या है इसके बारे में जरा मैं आपके सामने कुछ इसका सिनॉप्सिस आपके साथ शेयर करता हूं। एरोटिक डांसर हु इज सपोज्ड टू बी ट्रांस। ट्रांस का मतलब है कि यू आर अ बायोलॉजिकल मेल हु इज शोइंग हिमसेल्फ एज अ फीमेल एंड एरोटिक डांसर है। यू आर नाउ इन लव विद अ मैन, ठीक है, अपेरेंटली इट वाज अ मैरिड मैन, तो वो अपनी बीवी को छोड़ के वो आपके आप में इंटरेस्टेड हो गया। तो एक तो ये जिना हो रहा है, मतलब जिना इन सेंस के आउटसाइड ऑफ वेडलॉक हो रहा है जो कि एक वाजिबुल कत्ल इंसान हो जाता है यानी एज पर द शरिया, राइट। ये एक बंदा कर रहा है उसको आप ग्लोरीफाई करना चाह रहे हैं। आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं होमोसेक्सुअल मैरिज या होमोसेक्सुअल रिलेशन को, चले कर ले मैरिज ना भी हो, आप उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं एंड उसको जितना भी आप सुर्खी पाउडर लगा दें और सॉफ्ट स्टोरी बना दें, यू कैन नॉट सिंपली मेक समथिंग दैट इज इम्परमिसिबल इन द शरिया, उसको शुगर कोट नहीं कर सकते। अच्छा भाई मिलेगी ये तो पॉइंट इज कि अब जो स्टोरी सामने आ रही है वो उससे भी ज़्यादा खौफनाक है जो हम पहले समझते थे। एक्चुअल जो स्टोरी अभी है उसमें ये जो दो भाई हैं जिनकी स्टोरी है, बेसिकली दो भाई एक घर में रहते हैं, एक छोटा भाई जो है उसका नाम हैदर है, बड़े का नाम कलीम है और दोनों जो है वो मैरिड हैं। छोटा भाई हैदर जो है वो बेसिकली इम्पोर्टेंट है, वो उसके बच्चे नहीं हो सकते और वो अपनी वाइफ को उस तरह से उसके जो ताल्लुकात हैं उनको पूरा नहीं कर सकता। बड़ा भाई जो है उसकी चार बेटियां हैं और उसके अपने मसले चल रहे हैं। अच्छा अब्बा जान जो हैं वो व्हीलचेयर पे हैं, अम्मी की वफात हो चुकी है और ये जो हैदर छोटा भाई है ऑब्वियसली बिकॉज ही इज़ अनएबल टू फुलफिल हिज ड्यूटीज़ विद हिज वाइफ, वो अब जो है ना थोड़ा सा पीछे हट रहा है, उसकी वाइफ भी उससे पीछे हट रही है। वो जो है जाके अपना एक डांस ग्रुप को ज्वाइन करता है, एरोटिक डांस ग्रुप को ज्वाइन करता है। वहाँ जाके बीबा नामी एक ट्रांसजेंडर वुमन से, जिसको हम एक्चुअली एक मर्द है बायोलॉजिकल मेल है, उससे इसको जी हो जाती है मोहब्बत और वहाँ पे वो उसके सब ऊपर एडवांसमेंट करता है, उसके साथ प्यार की बातें करता है। कुछ उसमें सीन्स इनअप्रोप्रिएट थे, कुछ उसमें आप कह लो कि डायलॉग्स इनअप्रोप्रिएट थे। 8 मिनट का इन द मेन टाइम इन्ना लिल्ला ये जो इसकी बीवी है हैदर की जो वाइफ होती है ये जाके उसके भाई के साथ रिलेशनशिप कायम करती है और अच्छा। उसके नतीजे में प्रेगनेंट हो जाती है। तो एक दैट वॉजेंट बैड इनफ, अब्बा जान जो व्हील चेयर पर हैं उनकी तीमारदारी के लिए उनका ख्याल रखने के लिए एक हमसाए में से खातून आती हैं एंड अब्बा जान एंड्स अप स्लीपिंग विद हर। अच्छा जी तो ये सेक्सुअल रेबेलियन है ना सर, ये तो सेक्सुअल रेबेलियन दिखा रहे हैं ना, ये तो हर घर की कहानी है, ये तुम्हारे बहन भाइयों की कहानी है, ये तो मेरे अब्बू की कहानी, ये कह रहे हैं ना यार। तो ये कौन से अब्बू हैं भाई, ये कौन से बहन भाई हैं, ये क्या बात कर रहे हो आप, ये कौन सा, ये यानी पाकिस्तान का 1% है जिसकी काशी आप करना चाह रहे हैं। मेरे हिसाब से क्योंकि मैंने लिखी है फिल्म और डायरेक्ट किया तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा। ये साइम सादिक साहब हैं जो कि जॉयलैंड के ये एक राइटर डायरेक्टर कहानी है, खानदान की कहानी है, मुझे इसमें बहुत तरह से अपना खानदान नजर आता है। अगर आप देखेंगे या कोई भी पाकिस्तानी देखेगा तो आई थिंक उसको इस फिल्म में अपने खानदान की झलकियाँ, अपने बहन भाइयों के, अपने अबू की झलकियाँ नजर आएंगी। तो माशदी इकदार के हवाले से तो मेरा ख्याल है इससे अच्छी शायद हमारे ख़ानदानी सिस्टम की अकासी किसी फिल्म ने शायद ना की हो। लेकिन हाँ एक चीज़ इसमें ये ज़रूर है कि जहाँ इस फिल्म में तो वो कह रहे हैं जी मुझे अपना ख़ानदान नज़र आता है, मुझे अपने बहन भाई नज़र आते हैं, मुझे अबू याद आते हैं, मतलब ये हम सब के ख़ानदान की अकासी, सब के कैसे ये इससे अच्छी शायद अकासी किसी ने ना की हो। अच्छा देखिए सबसे पहली बात ये कौन सा ख़ानदान है पाकिस्तान का जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। तो कास्ट मेंबर है सानिया सईद, वो तो कहती है कि ये एडल्ट्स के लिए फिल्म है। एक हमारे वो लोग जिनको लग रहा है कि शायद इसमें कोई मायूब बात है, एक तो ये एडल्ट्स के लिए है फिल्म, तो मेरा ख्याल है अपने एडल्ट्स को इतना ट्रस्ट तो करना चाहिए कि वो क्या कंटेंट देखना चाहते हैं और क्या कंटेंट वो नहीं देखना चाहते हैं, इसका फैसला वो खुद कर सकें। ये सेंसर बोर्ड से अप्रूव्ड है, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है कि इनको एनओसी मिल गया। मैं हैरान होता हूँ ये जब सेंसर बोर्ड की बात आती है और सर्टिफिकेट की। सुभानअल्लाह, कुरान इज आवर फर्स्ट एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कमांडमेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सेज के नथिंग कैन बी रिपग्नेंट टू कुरान एंड सुन्ना। कौम लूत की अल्लाह ताला बात करके इतनी सख्ती से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम
औरतों को छोड़ के लोनों पे गिरते हो, यानी उनको अपनी उनसे अपनी ख्वाहिश नफसानी पूरी करते हो, अल्लाह ताला कुरान में यार ऐसे आप इससे एक स्टेप पीछे जाए ना, मोमिन मर्दों से कह दो अपनी निगाहें नीचे रखें, वो भी जी जी बिल्कुल। मैं इस पे हैरान हूँ कि अभी चूंकि ये इस जॉयलैंड मूवी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं हैरान होता हूँ कि ये सेंसर बोर्ड कुरान, यानी कोई लंबी चौड़ी बुक्स नहीं, सही बात है, कुरान लिखा, अच्छा ये कुरान के खिलाफ नहीं है ये सर्टिफिकेट, ये कुरान की बेहरमती नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। क्यों वो कहेंगे कि ये if someone is watching this, I just want to give like a nasihat from my brother that you know what you're doing, whatever your justification, कि लोग ये लोग हैं, इनके भी rights होते हैं, the thing is what you're doing is you're actually destroying your own family. You're gonna have a wife, you're gonna have kids, you're gonna have grandkids. Do you know what you're doing? You're actually destroying your own family. नहीं, गुनाह और जुर्म के कामों को आम आवाम की आंखों में धूल झोंक कर खुशनुमा बनाकर पेश कर दिया, यानी शादीशुदा होते हुए भी शादी से बाहर किसी के साथ रिलेशनशिप कायम करना और दूसरा वो रिलेशनशिप भी अपने ही जेंडर के आदमी के साथ कायम करना। एक मेल का दूसरे ट्रांसजेंडर के साथ दिखाया गया है जो कि बजाते खुद एक बायोलॉजिकल मेल होता है। इन दोनों गुनाहों और जुर्म के कामों को ग्लोरीफाई किया, अच्छा बनाकर पेश किया और गलत दिखाया, किसको? उसकी बीवी को, उसके खानदान को, आपको और मुझे और उन तमाम लोगों को जो कि इस कौम में लूत वाले अमल को हमारी आने वाली नस्लों में नॉर्मलाइज करने के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। और एक और स्ट्रेंज पार्ट जो मुझे देखने में मिलता है ट्विटर पे एंड एवरीवेयर एल्स इज दैट पीपल कीप सेइंग कि आपका इस्लाम खतरे में पड़ जाता है। आई वॉन्ट टू टेल यू, इस्लाम खतरे में नहीं पड़ जाता, बल्कि आप और मैं खतरे में पड़ जाते हैं, बिकॉज दिस इज स्ट्रेट ऑन वॉर विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड हिज मैसेंजर। वो रब जो कि क़यामत कायम करेगा और सबको कटहरे में लाकर खड़ा करेगा, और फिर उस दिन वाजिया हो जाएगा कि होमोसेक्सुअलिटी ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात को कितना गजबनाक किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज डिस्ट्रॉयड द पीपल ऑफ लूत जो कि ये अमल किया करते थे विद सीवियरेस्ट ऑफ पनिशमेंट्स। पहले उनको एक चीख ने आ पकड़ा और फिर उनकी जमीन को उठाकर अल्लाह ताला ने उल्टा करके दे मारा, और फिर थर्ड उन पर पत्थरों की शदीद बारिश बरसाई गई। दिस शोज द एंगर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑन दिस मैटर ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, एग्जैक्टली व्हाट दिस फिल्म जॉयलैंड प्रमोट्स। सो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आर यू गाइस स्टिल इन फेवर ऑफ दिस फिल्म के इसको रिलीज किया जाए विच पुट्स अस इन वॉर विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला? Would you still want to release this film Joyland which promotes homosexuality? Are you with Allah or Shaitan?